नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा मेडिको। आज है 3 सितंबर, शिफ्ट फर्स्ट, ANM 2024। इसके बारे में आज अपन देखने वाले ग्राउंड रिपोर्ट, बच्चों का पेपर कैसा क्या रहा है, और अपन बच्चों से जानेंगे कि उनका पेपर किस प्रकार से रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन बच्चों का पेपर किस प्रकार से रहा है। हम हैं अभी नीमच में ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट पर, और आज तारीख है 3 सितंबर, और शिफ्ट है आपका पेपर फर्स्ट। एक जो पेपर आपकी दो सितंबर जो आपकी दो शिफ्ट हो चुकी है, अगर अपन टोटल शिफ्ट देखी थी आपकी तीसरी वाली शिफ्ट। ठीक है, तो आइए जानते हैं अपन बच्चों से उनका पेपर कैसा गया। क्या नाम है आपका? कैसा क्या पेपर? कितने का स्कोर है आप? थर्टी थ्री। एवरेज स्कोर आ रहा है बच्चों का, वो ही आ रहा है 30। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रखा है, क्या क्वेश्चन मन में आपको लग रहा है कि ये याद है हमको, लेकिन वो समझ में यही समझ नहीं। याद तो ऐसे लग रहा था, याद है लेकिन सब याद कर रहा। कौन सा मीडियम आपको? हिंदी मीडियम। अच्छा, हिंदी मीडियम का। जीके में किस टाइप के क्वेश्चन है? जीके में सारे करंट अफेयर ही आए। जीके में करंट अफेयर्स, एमपीसी के क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, हाल मतलब कि 2023 का जो करंट अफेयर दे रही है, 24 का। और ये आपकी केमिस्ट्री कैसे करी? केमिस्ट्री में सारे वो 12 सारे आए हैं। सिलेबस 12 का है, और केमिस्ट्री में क्या है? फिजिक्स का कैसा करा? फिजिक्स में भी उत्तर दर पर है, उत्तर दर पर परावर्तन जो पढ़ाए वो सारे आए थे। न्यूमेरिकल से ज़्यादा है वो लग रहा है, न्यूमेरिकल में भी ज़्यादा लंबे नहीं थे, छोटे छोटे। और आपको एग्जाम सेंटर में कोई भी समस्या नहीं? पहली बार एग्जाम दे रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? आपका कौन सा मीडियम? इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम कहाँ? आपका क्या स्कोर है? हाँ ठीक है, एवरेज स्कोर है, चाहे कोई ये डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, लगभग सभी बच्चों के लिए ये एवरेज स्कोर। जिस हिसाब से प्रिपरेशन रही थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। हाँ ठीक है, कोई इसमें बात नहीं, क्योंकि एक महीने का ड्यूरेशन मिला अपने को, तो मैंने काफ़ी कम ही रहा है। ये सही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन जाने की जरूरत नहीं अपने को। वही बहुत मेरे को आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप मुस्कुराते बाहर आए, कोई लौट वाली बात नहीं, क्योंकि अभी वापस अभी एग्जाम आ रही थी, NSC की एग्जाम आ रही थी, तो अपने को उसके प्रिपरेशन के लिए भी वापस जुड़ना है। तो आपकी फिजिक्स कैसे कह रही थी? फिजिक्स न्यूमेरिकल से ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थे क्वेश्चन, ज़्यादा सॉल्व वगैरह। बायो कैसे करें? बायो काफ़ी। बायो के कौन से टॉपिक रहे? बायो में ज़्यादातर ऑब्स्टेट्रिक के ज़्यादा रहे, लेकिन मेरी सोशल थोड़ी कमजोर है, तो मेरी लो तो क्या नाम है आपका? आयुषा। कहाँ से आप? कितना क्या स्कोर है आप? तो कौन सा क्वेश्चन टफ रहा है? फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है टफ था, लगभग एवरेज सभी का बच्चों का यही रहना है, क्योंकि अभी दो शिफ्ट हो गई है, तो उसमें लगभग पूछा पड़े। हाँ, और किसी की पेपर देने की समस्या तो नहीं अंदर का भी एग्जाम, और तो कोई ठीक है। ठीक है, लगभग पता चाहिए। और जीके जीके कैसा कह रहा? जीके भी करंट अफेयर से पूछा, और MPGT वगैरह भी आए थे। MPGT मतलब आज की शिफ्ट में MPGT थोड़ा कम आया है, कल की शिफ्ट में थोड़ा सा MPGT जो है वो ज़्यादा आया था। इसके अलावा बात करूँ तो बायो में कौन कौन से टॉपिक थे? रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स के अंदर लगभग लोगों को। इसके अलावा आपका फिजिक्स में फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ज़्यादा आए। इसके अलावा अगर बात करें तो वैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं, तो आप इंग्लिश कैसे कह रही हैं? ठीक है, आप किधर से बता रहे हैं? कहाँ से आप? कैसे कह रहा पेपर आप? टफ हाँ पेपर देखो, सभी चीज़ का टफ आ रहा है, उसकी घबरा रहा है कि कट ऑफ कम जाएगा इस बार। अगर कोई कट ऑफ की बात करें ना, तो कट ऑफ कम जाएगा, तो उस चीज़ को अपने को डरना नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री कैसे कह रहे हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री सब भी बायो के साथ कह रहे हैं, बायो की बात करते हैं। बायो ठीक है, बायो एवरेज लैंग्वेज का अलग सब बच्चे। जीके में क्वेश्चन कहाँ से आया ज़्यादातर?
आपकी अभी हाल में इतिहास से आए थे, इतिहास से भाई देरी कर रहे हैं, कुछ करने पर कुछ आए हैं, इतिहास से कुछ आए हैं। इसके अलावा पुलिस में कैसे गए ज़्यादा पुलिस के साथ और आपको कोई ऐसा नहीं कॉल तो अपने कॉल था टाइम पर आपका डिलीवर दे रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने देखा कि बच्चों का ही लगभग एवरेज स्कोर आया है, सारे बच्चे जो पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है। वैसे क्या हो रहा है कि लगभग अगर हम मान के चले थोड़ा सा नीट के लेवल का तो नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा टफ आ रहा है। जिस लेवल की एग्जाम होनी थी एएनएम की एग्जाम, उससे पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है। तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर टफ आ रहा है तो कट ऑफ अपने आप कम हो जाए। अभी बहुत सारे बच्चों से हमने बात करी सर, कुछ जो है कुछ खुश है कि सर हाँ हमने एक महीने में जो तैयारी करी थी हमारा ठीक ठाक स्कोर था। कुछ बच्चे ऐसे भी थे ठीक है जो घबराए हुए थे, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि कट ऑफ कम जाएगा। जिस हिसाब से आपके पेपर जा रहे हैं, जिस हिसाब से एक वास्ट लेवल से पूछ रहे हैं, हर प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है। जैसे कि बायो में बता दिया था कि बायो में कुछ इंडिया रिपोर्शन वगैरह इसके क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन ज़्यादातर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है। बच्चे बोल रहे सर क्वेश्चन समझ में आए फिर भी हमारा नंबर कम आए। नंबर इसलिए कम आए क्योंकि जो है ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। तो थोड़ा सा आपको इस प्रकार से रहेगा और आपको डरना नहीं है। और शाम को 7 बजे शिक्षा मेडिको के प्लेटफॉर्म पे आपको संपूर्ण एनालिसिस मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, लेकिन बच्चे क्या थोड़े से घबराए हुए तो कैमरे के सामने नहीं आ पाए। लेकिन क्या है कि जिन बच्चों से आपने बात करी उसका मैं एक प्रॉपर में एनालिसिस दे देता हूँ कि बच्चों के एवरेज नंबर ठीक है 30 से लगभग 40 के बीच में नंबर ठीक ठाक आए हैं। ये ज़्यादातर बच्चों का स्कोर रहा है। 50 अगर आप अबाउ गए तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है तो कट ऑफ अपने आप कम जाएगा ठीक है। और जो टॉपर बच्चे हैं वो ऑलरेडी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि वो जो टॉपर बच्चे हैं वो एडमिशन लेने के उनके कम चांसेस है। तो ये जो रहा पूरा जो आज जो मैंने आपको एनालिसिस बताया ये था बेटा अब तक 3 सितंबर शिफ्ट सेकेंड का एनालिसिस रहा। जैसे कल पेपर थे वैसे वैसे पेपर आज भी रहे ठीक है, यानी कि पेपर का एग्जाम लेवल जो है वो कब ही रहा है आपका टफ ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपन, आपका जो नेक्स्ट सेशन का जो एनालिसिस है वो भी मैं आपको पढ़ने वाला हूँ ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। और ये याद रखना बेटा, विशेष जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि आपके जैसे अभी आपके पेपर आ रहे हैं वैसे वैसे आपकी क्लासेज शिक्षा मेडिको चैनल पर स्टार्ट होगी। MPGK से क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसकी क्लासेज भी आज से आपको मिलना चालू हो जाएगी। इसके अलावा बात करूँ शाम को 7 बजे आपको प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा किस प्रकार के जो पेपर है वो आपके 3 तारीख में आए हैं या फिर आपके 2 तारीख में किस प्रकार के पेपर आए, वो संपूर्ण एनालिसिस आपको शिक्षा मेडिको के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगा ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास।